गेहूं का गणित भी गजब है। गेहूं कभी तो हम इंपोर्ट करते हैं, कभी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये चक्कर समझ नहीं आ रहा। नॉर्मली तो हम कहते हैं कि भैया हमारे पास गेहूं थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसको चलो एक्सपोर्ट करते हैं, मार्केट ढूंढते हैं, हाथ पांव मारते हैं। पर आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दामों में आग लगी हुई है, हमारे यहाँ पे गोदाम भरे हुए हैं, फिर भी मोदी जी कहते हैं नहीं भैया बैन कर दो। यार चक्कर समझ नहीं आ रहा, क्या देश में गेहूं की कमी हो गई? आखिर क्यों करना पड़ा इनको ये एक्सपोर्ट पे बैन? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गेहूं का कितना तो प्रोडक्शन करते हैं, कितना हमारे पास स्पेयर में रखते हैं, किस लेवल पे जाके हम एक्सपोर्ट करना चालू करते हैं और किस लेवल पे हमको इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आज गेहूं का गणित कंप्लीटली समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो है आम जनता के लिए नहीं, खास जनता के लिए जो मांगती है इंफोटेनमेंट। तो बिना समय वेस्ट करे करते हैं वीडियो की शुरुआत। गेहूं के इंटरनेशनल मार्केट में इस समय खलबली मची हुई है। क्यों? गेहूं का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रशिया, वो युद्ध में लगा हुआ है। यूक्रेन पांचवें नंबर पे आता है, वो भी भैया युद्ध में लगा हुआ है। तो भारत है वर्ल्ड का सेकंड प्रोड्यूसर, तो रशिया के हटने के बाद से पूरे विश्व की डिमांडे हमारे ऊपर है कि भैया आप हमें एक्सपोर्ट करके दो। और इस समय मार्केट में इतना ज्यादा रेट बढ़ गया गेहूं का कि हम अगर डॉलर के सेंस में बात करें तो भारत सरकार किसानों से एमएसपी पे खरीदती है, $260 की एमएसपी पे खरीदती है गेहूं। और अभी इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है 450, लगभग डबल। तो ये बहुत सुनहरा मौका है इस समय पैसा कूटने का, पैसा कमाने का, और भारत सरकार इसके लिए जबरदस्त प्रयास कर भी रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री को बोल दिया कि भैया तुम एक काम करो, सभी देशों में जाओ, रिसर्च करो, नए नए मार्केट, नए नए देश ढूंढो जहां पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रेलवे को बोल दिया भैया तुम्हारी रेलवे खाली रखना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना गेहूं की, जहां भी गेहूं का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो रेलवे को कह दिया भैया उनको जगह दो। डॉक पे बंदरगाह वालों को बोल दिया कि भैया जगह खाली रखो, गेहूं आने वाला है। शिपिंग वालों को बोल दिया कि पहले गेहूं के कंसाइनमेंट को दिया जाएगा। तो भारत सरकार ने पूरे प्रयास कर दिए कि भैया गेहूं का जितना एक्सपोर्ट कर सकते हो करो, क्योंकि एकदम डबल रेट पे माल बिक रहा है और हमारे पास तो भैया भर भर के गेहूं पड़ा है। एकदम से मोदी जी को पता नहीं क्या होता है, वो यू टर्न लेते हैं और कहते हैं नहीं भैया अब गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन वो गेहूं के कंप्लीट एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाते, वो कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को बेच सकती है, ये जो प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट उद्योगपति है, ये नहीं खरीद पाएंगे, ये नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो आखिर ये डिसीजन लेना क्यों पड़ा? और ये जो अनलिमिटेड हमने एक्सपोर्ट की बारे में सोचा था कि हम कर सकते हैं, अब हम लिमिटेड क्यों करने लग गए हैं, इस गणित को समझते हैं। तो गेहूं का गणित समझने के लिए सबसे पहले बेसिक चीजों को समझते हैं। इंडिया में ऑन एन एवरेज हमारे भारतीय मेहनतकश किसान 100 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन करते हैं। कभी कभी अच्छा मौसम होता है ये 110 भी चला जाता है, कभी कभी दिक्कत आती है ये 95 से 100 के बीच में रह जाता है, 90 जब आता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि भारत की कंजम्पशन की जो रिक्वायरमेंट है वो है 99 मिलियन मेट्रिक टन। तो भारत में क्या है, लगभग 100 के आसपास पैदा होता है, लगभग 100 के आसपास हम खा लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट का स्कोप बचता नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हम तभी कर पाते हैं जब कभी 110 मसल अच्छी होने से, मौसम अच्छा होने से, पैदावार अच्छी होने से 110 या 120 मिलियन मेट्रिक टन हो जाता है। कभी ऐसा ना हो कि भैया कल को कहीं इसी दौरान प्रोडक्शन कम हो जाए, तो सरकार अपने गोदामों में एक फिक्स रिजर्व रखती है 7.5 मिलियन मेट्रिक टन का, क्योंकि अभी किस साल अगर 2-3 मिलियन टन कम हो तो 2-3 साल का रिजर्व हमारे पास पड़ा रहे, इसलिए 7.5 मिलियन मेट्रिक टन रखती है। तो भारत की रिक्वायरमेंट है 100, 7.5 का बफर, तो 107 मिलियन भारत के पास होना चाहिए। इस समय भारत के पास गोदाम में था 140 मिलियन मेट्रिक टन, यानी जितनी जरूरत थी वो भी, एक्स्ट्रा जो बफर था वो भी, उसके अलावा भी, इसीलिए सरकार दनादन एक्सपोर्ट में लगी हुई थी। फिर भैया बैन क्यों किया? क्योंकि इसलिए बैन किया क्योंकि भैया जब मार्केट में इतनी तेजी थी तो प्राइवेट प्लेयर भी उतर गए। तो जैसे ITC ने कहा कि अरे भैया तो भैया मजेदार माल है, तो किसानों से खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, तो वो किसानों को जाके MSP से भी ऊपर वाला ऑफर देने लग गए। अब किसान को तो मजे आए ना बैठे बैठे, सरकार तो यार $260 के हिसाब से दे रही है पेमेंट, अगर कोई बड़ी कंपनी 290 के हिसाब से देगे किसान क्यों नहीं देगा? तो किसान क्या मंडियों में लाना ही बंद कर दिया, किसान सीधे या तो अपने घर पे स्टोर कर रहे हैं कि भैया रेटें बढ़ेगी जब बेचेंगे, या बढ़ी हुई रेटों पे प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं और प्राइवेट लोग सीधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका खामियाजा क्या है कि भारत सरकार हर साल 44 मिलियन मेट्रिक टन किसानों से खरीदती है MSP के तहत, अब की बार सरकार की खरीदी पूरी नहीं हुई, सरकार कह रही है कि भैया 19.5 मिलियन ही आया है, तो अगर किसान हमको बेचेंगे ही नहीं, किसान मंडी लाएंगे ही नहीं, तो भैया हम ये
राशन में क्या बांटेंगे और हमारे पास आगामी फ्यूचर के लिए क्या रहेगा। तो उन्होंने पता किया कि भैया ये तो ऐसी चीजें हो रही है। और दूसरा, जब गेहूं के इतने रेट ऊपर जाने लग गए तो ये जो आटा भी महंगा हो गया और फिर महंगाई का इंडेक्स एकदम सी। तो अभी आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो लास्ट कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो उसमें मैंने एक बताया था कि खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ गए। खाने पीने क्यों? अगर गेहूं के रेट बढ़ेंगे तो आटे के भी बढ़ेंगे और आटे से मिलती हुई जितनी भी चीजें हैं, बिस्किट विस्किट या जहां भी आटा काम आता है, सबके रेट बढ़ गए। तो सरकार ने कभी आटे के रेट अगर डाउन लाने हैं तो गेहूं के रेट डाउन लाने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये बैन लगाया, इसलिए मजबूर। तो जैसे ही बैन लगा, अब प्राइवेट लोगों ने खरीदा ही बंद कर दिया कि भैया किसान से खरीद के करेंगे क्या, हम एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो किसानों से उन्होंने खरीदी बंद कर दी। अब किसान ने कहा ये तो हाई रेट पे दे नहीं रहे, अब किसान मजबूरी में आके मंडी पे बेचेंगे। तो पहली बात, वो जो रेट हाई चली गई थी वो रेट लो आएगी। दूसरी बात, हमारे पास राशन पानी बांटने के लिए इनफ रहेगा। तो सर, गेहूं पे जो बैन लगा है ये प्राइवेट लोगों पे लगा है कि तुम खरीद के तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सरकार तो अभी भी कर रही है। तो सरकार क्या कर रही है, देखो भैया इनका नाम है मोदी जी, पैसे भी कमा रहे हैं, रिलेशन भी कमा रहे हैं। जैसे टर्की है, ये पाकिस्तान के साथ बैठता है, इंडिया के अगेंस्ट रहता है। अब की बार टर्की बोला भाई साहब गेहूं तो हमारे कम पड़ रहा है, क्या करें। मोदी जी ने कहा भैया भिजवाते काहे टेंशन लेते हो, वहां धीरे धीरे रिलेशन मजबूत कर रहे हैं। तो अब गेहूं के जरिए पैसा तो कमाया ही जा रहा है, रिलेशन मजबूत किए जा रहे हैं कि किस कंट्री से रिलेशन मजबूत करने हैं। सो अरे भैया गेहूं लोगे क्या, गेहूं दे क्या तुमको। तो उस चक्कर में भारत की धीरे धीरे पैसा भी बढ़ रहा है, कूटनीतिक भी बढ़ रही है। लेकिन ये जो कंट्रोल है ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले क्या हुआ था 2004 के आसपास इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया था कि हमारे यहाँ पे कमी पड़ गई। हमने कहा एक्सपोर्ट करो, हमने मिनिमम बफर मेंटेन नहीं किया और एक्सपोर्ट करने पे लगे रहे। और बाद में ऐसा समय आया कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया और हमें इम्पोर्ट करना पड़ गया। तो 2005 से लेकर 2007 तक हमने भैया बाहर वालों से मंगाया था, इम्पोर्ट कर गया। इतना बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद हमको इम्पोर्ट करना पड़ा था। तो 2007 से लेकर 2013 तक टोटल 7 सालों तक एक्सपोर्ट पे बैन रहा। इस बैन होने के चक्कर में तो इतना सारा स्टॉक इकट्ठा हो गया हमारे पास, और स्टॉक का फायदा हमको कोविड के टाइम पे मिला, जब मोदी जी ने कहा सब अनाज लो इसलिए बांट रहे थे मोदी जी ने कहा भैया खूब पड़ा है, 100 की जरूरत थी, 140 पड़ा है, 7.5 का बफर हटा के भी, तो उस समय भी खूब बेचा। अब रिलेशन भी मजबूत कर रहे हैं, वो भी मजबूत कर रहे हैं, प्राइवेट वालों को कमाने नहीं दे रहे। इस डिसीजन को लेकर एक छोटे से विवाद की स्थिति थी, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करता हूं। किसान लोगों ने एक बात कही कि भैया मार्केट में अगर तुम्हें इतना बढ़िया इंटरनेशनल रेट मिल रहा है, हमारी एमएसपी बढ़ा दो यार, हमें 260 की एमएसपी दे रहे हो, तुम 450 बेच के मोटे पैसे कमा रहे हो यार, हमारे बढ़ा के $300 कर दो ना। तो किसान यूनियन ने मांग भी की थी, तो मोदी सरकार ने इसको मना कर दिया, बोले नहीं तुम्हारे दाम नहीं बढ़ाएंगे। तो कई लोगों को बुरा लगा, भैया गलत बात है। उसके पीछे सरकार का तर्क यह था कि भैया ऐसा है, आज 450 रेट है आज, क्योंकि ये क्राइसिस चल रहा है, 6 महीने बाद ये क्राइसिस खत्म आ जाएगा, ये 450 की रेट तो वापस नीचे आके 350-350 आ जाएगी, पर तुमने हमारे एमएसपी एक बार बढ़ गई, तुम थोड़ी कम करोगे। दूसरी बात, गेहूं की सिर्फ एक एमएसपी बढ़ाएगी, 23 ऐसी फसलें और हैं जिसपे एमएसपी लगती है, तो गेहूं की बढ़ाई तो बाकी 22 की बढ़ानी पड़ेगी, तो भैया क्या करें। तो मोदी जी ने कहा अभी माल कूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारे बढ़ाएंगे, बाद में नहीं कूटता। तो इस समय देखा जाए तो भारत सरकार के पास अमेजिंग मौका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें यूक्रेन आपको आगे, अच्छा आपको पता है अभी हम एक्सपोर्ट इतना धनाधन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की रेट क्या थी पता है, यूक्रेन $210 पे सप्लाई करता था, तो अगर एमएसपी खरीदती 260 पे है तो 210 पे बेच नहीं सकते थे, हम यूक्रेन से एक्सपोर्ट में कंपटीशन कर नहीं सकते थे। अब यूक्रेन कमजोर है तो यह मौका फायदा उठाने का है। तो अभी हमने बांग्लादेश में जितना भी गेहूं जाता है ना, उसका 2/3 हिस्से भारत से जाता है, और धीरे धीरे करके जितने भी बड़े एक्सपोर्टर हैं, जब तक इनका युद्ध लंबा चल रहा है, हम धीरे धीरे हमारी पेट सभी कंट्रीज में बनाते जा रहे हैं, जो आगे जाके हमें बहुत फायदा देने वाली है। इस दौरान एक चीज और है, अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, श्रीलंका टी का एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त करता था, लेकिन वहां क्राइसिस चल रहा है तो टी का एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। तो अभी हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम भी टी का एक्सपोर्ट श्रीलंका का जो गैप मार्केट में है उसको हम पूरा कर सकते हैं, और उसके अलावा भी दुनिया भर की फसलें हैं जिसमें रशिया और यूक्रेन करते थे, वो हमारे लिए खुला मौका मिल गया। तो इस मार्केट का मेरे हिसाब से भारत सरकार को भयंकर फायदा उठाना चाहिए, भयंकर एक्सपोर्ट बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, ये जो किसानों को सब्सिडी मिलती है, ये फर्टिलाइजर महंगा होता जा रहा है, तो ये दोनों चीजें महंगी हो रही है, ये सरकार की जेब से लगना है। तो भैया गेहूं में कमा लो, तुम्हारे ही आड़े आएगा। तो ये था भाई लोग गेहूं का गणित, कि हम कब इंपोर्ट करते हैं, कब एक्सपोर्ट करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना उत्पादन करते हैं, कितना हम कंज्यूम करते हैं, कितना हम बफर रखते हैं। आपके और भी कोई डाउट्स हो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो अभी इस समय भारत में ट्रेंड कर रहा हो और आपको लग रहा हो सर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और जानना है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में
बताइए, आपका भाई आपका दोस्त हमेशा के जैसे तैयार है, आसान भाषा में सीधी भाषा में कॉम्प्लेक्स बातों को समझाएंगे, भारत को समझदार और ईमानदार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।